हमारा गांव और कस्बा एफआईआर दे करके इसको जड़ से मिटाने की जिम्मेदारी लेता है तपा। इसको सुक्राईनाथ यहाँ से विदा, सुक्राईनाथ या अन्य जितने भी मेरे साथी यहाँ पर, हमारे बहुत मेहनती साथी, मेरे नए नवीनतम सन्यासी हमारे टिटोली के आदित्य वेश जी जिन्होंने मेरा साथ दिया, और सारे यहाँ पर आर्य रामनिवास जी ने और तपा ने और हमारे वेद मित्र जी ने, और इनके साथ में जितने यहाँ पर मेरे जितनी बाहर से आज पंचायतें खाप पंचायतें यहाँ पर आई, आज कम से कम यहाँ 50 गांवों की पंचायतें आई हैं, और इतनी जो संख्या की भीड़ हुई, गांव वालों ने भी पूरे मोखरा गांव के चारों पानों ने अपनी अपनी भूमिका यहाँ निभाई, और उन्होंने अब इस पाखंड को जड़ से मिटाने के लिए ये जिम्मेदारी मेरे से खुद पर ले ली है, और खुद पर लेकर के अब ये तपा इसका अगला जिम्मेवारी लेकर के इसकी जो कार्रवाई नियमानुसार होगी वो करेगा। पूरा गांव पढ़े लिखे लोग हैं और उसी के अनुसार ये गांव चलेगा। सोमवार को दोबारा पंचायत होगी? हाँ, सोमवार को दोबारा पंचायत नहीं, ये निर्णय आज ले चुके हैं। हाँ। कागज कार्रवाई वगैरह जो करनी होगी वो उस दिन कर। कौन जाएंगे? वो तो ये जो सरकारी तंत्र होगा ना उसके अनुसार ही करिए। यहाँ का फैसला हो चुका है एक किस्म का, तो इसमें जो पंचायत का फैसला वो पंचायत ही करेगी। इसमें आर्य समाज नहीं, आर्य समाज कुछ नहीं है, एक अंग आर्य समाज। तो उस मंदिर में आप आए हो, अनेक क्षेत्र के आर्य लोग भी आए हैं। ये पंचायती कार्यक्रम था आज का, ये कोई आर्य समाज का कार्यक्रम नहीं है। तो सारी बातें गांव की पंचायत के ऊपर, गांव की पंचायत के ऊपर है, उसी तपे की ये जो है ना ये कार्यक्रम था सारा। साध्वी को साध्वी तो ऐसा है, चोरी छुपे ये लोग बैठ जाते हैं, जैसे और भी ऐसे बैठे थे, लेकिन जब जागरूक लोगों ने पता लगा तो उखाड़ के फेंकेंगे। नहीं नहीं, पंचायत में ऐसा भी बुलाया नहीं गया, बुलाया उसको बुलाया आई नहीं, 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 नहीं उनको बुलाया गया। तो वो तो ये कह रहे थे कि हमारा जो है पन्ना इधर का है, मतलब गांव को। नहीं 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 नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है भाई, वो तो गांव अलग नहीं है, पूरा मोखरा गांव है। पूरी पंचायत में कितने आदमी बोल रहे हैं, कोई उसका समर्थक बोल रहे हैं? किसी ने नारा लगाया अंधविश्वास का तो वैसे भी कोई समर्थक नहीं। बात ये कह दी कि अंधविश्वास को फैलाने में नहीं, पहले हाथ तक गांव कह रहा है। देखो ऐसा है, प्रारंभ हो जाता है वो थोड़े आदमियों से हो जाता है, पूरे जब समझदार लोगों को बात पहुँचती है ना, तब तक उसकी जो है जड़ें उखड़ जाती हैं। बड़े बड़े जो बैठे थे वो सबको उखाड़ दिया। तो ये गांव बहुत पढ़ा लिखा गांव है और बहुत शांति प्रिय खेड़ा है। एक सार्वजनिक सवाल, जीते कुछ अंधविश्वास तो हर जगह फैलेगा क्या, हर एक जगह के लिए आवाज उठाई जाएगी? आर्य समाज तो आज से 170 साल लग गए वो उस दिन से कह रहा है, और आर्य समाज के प्रभाव के कारण आसाराम जेल में है, सिरसा वाले जेल में है, और ये जो रोहतक में ही आ गए थे वो भी जेल में है। आर्य समाज का जो मूल उद्देश्य है वो अविद्या का नाश है। उनसे हमारा व्यक्तिगत कोई भी बुरा वो दोष नहीं है, हम उससे व्यक्तिगत कोई भी बुरा भाव नहीं रखते, लेकिन वो समाज में बुराई फैलाते हैं उसका आर्य समाज समर्थन करता है। पंचायत में एक उदाहरण देते हुए क्रोधी घटना को बताया गया, तो कैसा लगता है कि यहाँ पे भी पंचायत में? हाँ, अगर नहीं जागे तो हो सकता था, क्योंकि समझदार लोग नहीं है बेचारे, सादे लोग हैं। हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारा बच्चा पास हो जाए। इसे ना पॉपुलर करो।